On the Josh! On the Josh! आज हमारे बीच में शरद जी आए हैं, लीग वर्ल्ड चैंपियन ड्रॉप करा के 1999। तो ये आज आप लोगों को पढ़ने के लिए आए हैं। आज मैंने आपको देखा कि ये भी कुछ हेल्प हो सकती है हम लोगों के लिए कि आज आप लोगों से मिलने, स्पेशली आप लोगों को मिलने और एड्रेस करने आए हैं कि आप लोगों की जो उस चीज़ को लेकर ये बहुत इंस्पायर्ड है। सिट डाउन बच्चों, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, पेरेंट्स पढ़ना, आप बैठ जाओ। अच्छा बेटा, आप सब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद कराटे करा हूँ, मैं खुद वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुका हूँ। जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको बेटा दिल लगा के सब कर रहे हैं। आपके अमन पाल सिंह जी हैं, बाकी आपके कोच हैं, वो तो आपको बहुत अच्छे से आगे कर ही रहे हैं। तो आपको बेटा सारा मेहनत कर रहे हैं, सारा इसको फोकस कर रहे हैं। वैसे भी अभी इस टाइम पर वैसे भी सेल्फ डिफेंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ, आप कुछ भी जाओ, आप घर से बाहर निकलो, इधर जाओ उधर जाओ, अब सेल्फ डिफेंस ऐसी चीज़ हो गई है कि आपको सीखना ही है। हालांकि हमारे इंडिया में आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा कि कराटे है, मार्शल आर्ट है, हमारे इंडिया से बहुत डेवलपिंग है। क्योंकि जब बहुत जो खुद धर्म के लोग थे, जब वो जाते थे तो उनको कोई भी यूज़ करना अलाउड नहीं है। वो किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी सेल्फ डिफेंस को लेके आपस में आ नहीं सकते, तो उसमें क्या करें। उन्होंने ही सेल्फ डिफेंस को अपने हाथों को ही अपना शस्त्र बनाया है, कि हम अपने हाथों से ही अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे। जो बौद्ध धर्म यानी कि हमारे इंडिया से निकला हुआ है, और बस ये है कि हमारे इंडिया में थोड़ा भी लोग थोड़ा कम इस तरफ ध्यान देते हैं, तो चाइना कोरिया इन तरफ से ज़्यादा लोग हैं। तो हमको अब अपनी वापस से कृपा को वापस लाना है, अपना सारा बेटा सारा फोकस करना। आप स्पोर्ट्स में कर रहे हो, स्पोर्ट्स में ज़्यादा बच्चे हो, अभी आप कॉलेज में जाओगे तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपको कॉलेज में एडमिशन की। आपको पता नहीं जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे आपके पास कितने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, अंतरा स्टूडेंट वहाँ पर उसकी बड़ी बड़ी कट ऑफ है 96 95। पर अभी स्पोर्ट्स का इतना इंटेंस बहुत छोटा होता है, अगर आप कराते हैं आपको बहुत एडमिशन होता है। जिस लोग मतलब जो लोग सोचते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, 96 आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं होता। आप स्पोर्ट्स खेल सकते जाते हो, स्टेट लेवल खेलते हो, नेशनल लेवल खेलते हो, आपका एडमिशन भी बहुत आराम से होता है। अभी आगे ऑपर्चुनिटी बहुत होगी, हरियाणा पंजाब साइड में है, आप कराटे करते हैं तो आपको देश की राजनीति में डायरेक्टली भी रखनी है। स्पोर्ट्स में बेटा ये आप अपना सेल्फ डिफेंस भी लेके समझो, और बेटा ये आपको इसको आगे अपना करियर भी बना सकते। फिर मैंने भी मैं इसको सेल्फ डिफेंस में चलूँगा ना, बहुत अच्छी बात है। आप सेल्फ डिफेंस में चलिए, आपको सेल्फ डिफेंस ही करना है, वो भी सीखना है, बट साथ में इसको अपना करियर भी बनाना है। इसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको बताया ना कि आप कॉलेज में जाएंगे आपको एडमिशन का भी रहेगा, आप एडमिशन ले सकते हैं आराम से, आगे आपको बहुत सारी जॉब आपको ऑफर हो सकती है। इन सब का बेटा आप सबको ध्यान रखना है और बहुत मेहनत से करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब होगा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बता बेटा पूछो कि सर आपने कब कहाँ खेला, कितने टाइम में खेला, वर्ल्ड कप का कहाँ कहाँ गया, पूछो कंटिन्यू खेलने के लिए। बेटा मैं 1999 में गया था वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप के लिए, जर्मनी गया था मैं, एंड आई वांट गोल्ड मेडल इन माय वेट कैटेगरी। वेट कैटेगरी सबको पता नहीं, बेटा हमने खिलाया था आपको वेट कैटेगरी सर, उस अपने कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल भी सर। और आई एम इन एवरी माय बॉडी में। अभी क्या कर रहे सर, पूछो सर। अभी बेटा मैं सिविल सर्विस, थोड़ा खड़े होकर पूछो लाउडली। वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेटा जैसे मैं गया था, मैं उस टाइम पे 72 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें अलग अलग कंट्रीज आई थी, चाइना, जर्मनी, रशिया। उसमें जैसे आपने नॉर्मल स्टेट में देखा ना, जैसे आप वेट कैटेगरी है, जैसे नॉर्मल फॉर एग्जाम्पल 40 से 45 वेट कैटेगरी, तो आप उसमें जाएंगे आपका वेट नहीं रहेगा, उसमें बहुत अलग अलग कंट्रीज काउंट करते हैं, जैसे आपका जो आपका कॉम्पिटिशन बहुत अच्छी है। हाँ ये है कि स्टेट और नेशनल लेवल से थोड़ा लंबा रहता है, 5-6 दिन
आपके आप किस तरीके का बैठा आपका किस तरीके वो बेटा ऐसा था कि मैं इंडिया के लिए खेला था तो उसमें मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्ट्समैन होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अर्जुन अवार्ड देती है, अर्जुन अवार्ड फॉर प्लेयर्स द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर कोच। मान लीजिए सर आपके हो सकता है आने वाले टाइम में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा क्योंकि आप अच्छे हैं ना, आप अच्छा करोगे तो आपको अर्जुन अवार्ड मिलेगा। तो गवर्नमेंट बेटा सिलेक्शन करती है वो हमारे यहाँ। और कुछ बेटा सर अपने बारे में बता। हाँ बोलो बेटा। क्योंकि मेरी जो कराटे की स्टोरी है वो बहुत लंबी है क्योंकि मेरे को लेके वीजा को लेके मेरी प्रॉब्लम हुई थी, वीजा वीजा के लिए जा रहा था बहुत लेकिन प्रॉब्लम हुई थी। तो उनके कराटे की बात कर रहे हैं हो सकता है दो साल बाद आप इस ट्रेन देखें। आपने देखा नहीं था उसमें कपिल शर्मा शो के अंदर देखा आपने? देखा। और सर अपने बारे में बताएंगे सर अपने बारे में आप कभी क्या कर रहे थे? नहीं सर नहीं थे, रचना मैम थी, रचना मैम गई थी, वो वुमेन्स के लिए था सर के, वो वुमेन्स थी उनके लिए बनाया था सर। कराटे में बड़ा अनफॉर्चुनेट कि उस टाइम पे कंटिन्यू नहीं कर पाया तो आपको बहुत अच्छे कोच मिले हैं, आपके मेंटर हैं, आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं। मेरे टाइम पे बेटा इतनी अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे नहीं था क्योंकि इस वक्त नाइनटीन नाइनटी नहीं था, बहुत आगे आप कोई जानते नहीं था सर कराटे क्या होता है, मतलब कोई कुछ कोई जानते थे? आप तो बहुत अच्छा है, अब तो पेरेंट्स आपके बहुत अच्छे थे, आपके पेरेंट्स को पता है ये तो इतने टाइम में तो हमको किक उठाने का भी नहीं पता होगा सर। और अभी इसमें बड़ा है कि बेटा आपको लगेगा तो कहीं कहीं पेरेंट्स कह रहे हैं अपने बेटे को कराटे या मार्शल आर्ट छुड़वा देते हैं, मैं छुड़वा देता हूँ। तो वो ऐसा भी था बहुत सज्जन होते और बहुत सारी उस टाइम पे बेटा अभी इस टाइम से और इस टाइम से बहुत फर्क आ रहा है। तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी तो कराटे को और मार्शल आर्ट टाइकोंडो को तो ओलंपिक में भी रिकॉग्नाइज कर लिया है, अब जो आपको सर में फेस कराना और जो प्रॉब्लम वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी तो आपके अंदर बहुत अच्छा क्योंकि आपका कंटिन्यूस की तरफ ध्यान दे रहे इंडिया पहले नहीं देखा पहले हाँ क्योंकि सर ने बहुत अभी कह रहे ना वीजा में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत फेस करा और बहुत स्ट्रगल करा, बहुत स्ट्रगल करते हैं और आपको इतना स्ट्रगल नहीं, आपको आना हम तो पता नहीं कितने कितने किलोमीटर जाकर सीखते थे बहुत दूर दूर। अभी आप देखो ना कितने आराम से मिल रहे हैं, कॉस्ट मिल रहा है। मैं अपने टाइम पे करता था मुझे फीस भी मैनेज करनी पड़ती थी, मेहनत भी करनी पड़ती थी। अभी तो आपको देखो इन्होंने ही अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि आपको फ्री सेल्फ डिफेंस क्लास, अब आप ये बस सोचिए फ्री सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं तो हमारे देश में ये सर बेटा ये बहुत बड़े ज्ञान आपको मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, आपको सर दे रहे हैं अमरपाल सिंह जी, आपको इतना आगे कर रहे हैं बेटा इन सबको आपको यूज़ करना है। ये नहीं सोचना है मेरे को कि चार दिन जाऊँगा दो दिन जाऊँगा नहीं करूँगा, नहीं बेटा आपको इन सबको बहुत अच्छे से यूज करना है, इसको आगे तक पहुँचाना है, देश का नाम करना है। ये सब आपके साथ आप मेहनत कर रहे हैं, ये सब भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, ये भी चाहते हैं आप बच्चे आगे बढ़ो तो इनका भी नाम हो, तो आपको इन सब चीज़ों को बेटा यूज़ करना है, सबको यूज़ करना है। जो सर आपको बता रहे हैं ना जो आपको बता रहे हैं वो कोई नहीं बताएगा क्योंकि सर इतने बड़े लेवल पे खड़े हैं, वो आपको समझा रहे हैं कि बेटा इसको मिस यूज मतलब कि मेरे को तो चार दिन नहीं आया ऐसे नहीं आए, बिल्कुल कंटिन्यू हम आपको दिल से मेहनत करके खड़े हैं। सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कभी कुछ कमी छोड़ते हैं सर, लगता है कि फ्री क्लास चलती है सर, तीन तीन कोच खड़े हैं बिल्कुल मेहनत से करते हैं। और ये बच्चे को जो आपने बोला ना तो ये सोचो बेटा कि इतने बड़े सर बोल रहे हैं आप लोग कोई गाइड लाइन दे रहे आपको तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत जो फेस हमने करा ना वो आपको नहीं करने को मिलेगा। हम भी चाह रहे हैं कि आप अगर नाम रोशन करोगे तो आपके पेरेंट्स का पूरे देश का नाम रोशन होगा जब आप कहीं ओलंपिक में खेलेंगे कहीं भी जाके खेलेंगे।
वही एक और बात बता रहा हूँ, इन्होंने आपको सिंगिंग बारे में दी है। जब मैं आपकी उम्र का था, जब छोटा था, मैं खुद कराटे कर रहा था, बड़ा दूर जाता था आपका मोदी नगर देख लो जाता था, यहाँ सिंगिंग बारे में कराटे करना अलाउड ही नहीं था। देख लो तो बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बोल रहे। देखो सर, जाता था सर, मैं भी आर के पुरम जाता था बेटा, शांति निकेतन में साइकिल पे 10 किलोमीटर आना 10 किलोमीटर, और ऐसी हालत हो जाती थी, साइकिल भी नहीं चलाई जाती थी मुझसे, क्योंकि जब एक्सरसाइज करूँगा स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग तो वो गाड़ी नहीं होती, और ऑटो जिसमें पीछे वो चैन लगी रहती है, मैं सोचता था पकड़ के थोड़ी दूर तक आगे चल जाऊँ, क्योंकि जंगल वाला रास्ता था, बुद्धा करने वाला। तो बेटा हमने भी इतनी इतनी दूर से करके आए हैं, तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है कि आपको यही मिल रहा है घर बैठ कर, और ये आज आपको नहीं पता चलेगा, आपके पेरेंट्स को बाहर मिलेगा, नहीं यार पढ़ाई के साथ साथ हमने ये भी करा, तो आज हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ गए। तो देखो ना 25% आपको भी कॉलेज में जाएंगे, उनके सर्टिफिकेट जाएंगे, आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा, जो 99% वालों को भी नहीं मिलेगा। आपका मैं खुद सेंट स्टीफन कॉलेज का पढ़ा था, मैं उस टाइम पे तो 86 लाया था, पर तब भी कटा उसकी 94-95, तो मेरे को कराटे, हालांकि मुझे उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम पे कराटे देखा नहीं थी मार्शल। हाँ, उस टाइम पे जो वाइस चांसलर थे उन्होंने एक्स्ट्रा, बट अब तो बेटा नॉर्मल है, अब आप जाओ, आप अपना सबमिट करो, आपका ट्रायल होगा, आप अच्छे आप करते हो, क्लियर हो, आराम से आपका एडमिशन होगा। आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो DSP और वो सब बोल रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, DSP में बेटा बहुत बड़ा रैंक, छोटा मोटा रैंक नहीं होता, तो ये भी अपॉर्चुनिटी, और खासकर वो जितने फिजिकल भी जाने होते हैं उनको ज़्यादा देते हैं, बॉक्सिंग कराटे इन सबको ज़्यादा वहाँ प्रेफरेंस करते हैं। आप इसको अपने करियर भी इसको सोचो, आप ये सोचो कॉलेज में भी एडमिशन लेगा, और अगर कुछ नहीं समझ आए तो सेल्फ डिफेंस तो सीखना ही है, आप देख ही रहे हैं बाहर जाते हैं, वो चेन पूछ लेते हैं, अगर कुछ कर लेते हैं, अगर कुछ कर लेते हैं, तो बेटा सेल्फ डिफेंस तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप सबको बहुत बढ़िया से करो। आप आप पेरेंट्स कुछ पूछना चाहते हो प्लीज, पेरेंट्स डाइट गाइडेंस अबाउट द डाइट, सुनो अभी मैम पूछ रहे हैं, मैम थोड़ा आगे आके प्लीज, डाइट डाइट तो देखिए ऐसा है कि ज़्यादा, अभी तो देखिए बच्चे हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बच्चों को आप ये मत खिलाइए वो मत खिलाइए, बच्चे सब खा सकते हैं, बट थोड़ा सा ट्राई करिए क्योंकि जो जंक फूड ज़्यादा हो गया, पिज्ज़ा बर्गर, वो थोड़ा हफ्ते में दो बार, एक मतलब रेगुलर नहीं कि रोज़ ही बर्गर खा लिया, रोज़ ही पिज्ज़ा खा लिया, तो वो नहीं, वो क्योंकि पेट में जो मैदा रहता है ना, तो पेट में जाके वो सारा उसमें जम जाता है, तो उसको आप थोड़ा ट्राई करिए, हफ्ते में एक बार खिलाइए बच्चे को, दो बार खिलाइए, बट इनको रेगुलर आदत पर डालिए। सबकी जो मेरे ख्याल से मुझे लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, हर आदमी मैगी लेके शुरू हो जाता है, मम्मियों का भी फेवरेट मैगी है, तो मैगी भी ख़राब होता है, वो तला हुआ होता है, उसका बड़ा ख़राब है, शायद उन्होंने बैन भी हुआ था, बट वो फिर भी वो लोगों को जल्दी थी इंडिया में कि जल्दी करो, हमें बड़ी दिक्कत होती खाना बनाने में, तो सरकार ने कहा जब आपको जल्दी तो ले लो फिर आप खा लो। और सर वन मोर थिंग, वी डॉटर है पावर कॉल, फिर लंच स्किप करना स्टार्ट कर दिया है, जस्ट इन द थिंग मुझे कुछ चटपटा सा खाना है, नॉट चटपटा इज व्हाट जंक फूड राइट, तो हर दिन मूवी में लड़ना और टाइकोंडो क्लास में भी आना अटेंड करना, सो वी विल जस्ट गाइड टू हर पाहुल नहीं खाना ही नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा, नहीं खाना ये सब जंक फूड, नॉट गुड। भाई सर सारे स्टाफ थैंक यू सर, वो थैंक यू सर बोलेंगे सारे, थैंक यू सर, एक फोटोग्राफ प्लीज सर, आप नहीं सर इधर आ जाइए सर, पेरेंट थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज, बच्चों थोड़ा सर आप हाँ मैं मारे आ जाओ आजी आजी प्लीज प्लीज सिक्स सेवन अंदर पहुँचो सारे बच्चे, सबका चेहरा दिखने से कोई बात सारे नहीं,
सारे आगे आ जाओगे। छोटे बच्चे जो है ना हिट में उनको आगे कर दो, उनके फेस नहीं नजर आ रहा दिखाएंगे या हिल पे करेंगे कैसे भी। हमने देखो ना